के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में विभिन्न विभागों के कुल 73 योजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, प्रदेश को साफ सुथरा रखना केवल विभाग की ही नहीं बल्कि आम लोगों की भी है जिम्मेदारी। ऑक्सीजन कांड के आरोपी डॉक्टर कफील के भाई को 2 बदमाशों ने मारी गोली, हालत गंभीर, निजी अस्पताल में चल रहा है इलाज। SSP ने कहा, जल्द होगा खुलासा। संपर्क से समर्थन अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री पहुंचे सरदार जसपाल सिंह के आवास, बताया सरकार की योजनाएं, मांगा समर्थन। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में संपन्न विकास कार्य एवं कानून व्यवस्था की मंडलीय समीक्षा बैठक। अनुपस्थित रहने और निर्माण कार्य समय से न पूरा करने वाले पर CNDS के 19 अधिकारियों को दिया प्रतिकूल प्रविष्टि। जनता दरबार में लोगों की उमड़ी भीड़, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनी लोगों की समस्या। जयंती में भाजपाइयों ने अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को किया नमन, कहा, आज के युवा ले बिस्मिल से प्रेरणा। वेतन वृद्धि को लेकर आशा बहुओं ने किया CM से मुलाकात, चंदा यादव ने कहा, नहीं बनी बात। वेतन बकाया को लेकर विद्युत निविदा कर्मियों ने किया CI के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। एक समान शिक्षा और रोजगार के लिए चलाया गया हस्ताक्षर अभियान। गोरखपुर क्रिकेट लीग में मौर्य फर्नीचर हाउस ने संस्कृत क्रिकेट अकेडमी को 7 विकेट से दी मात। और गोरखपुर सब जूनियर लीग में अक्की स्पोर्ट्स एकेडमी के 135 रनों से धमाकेदार जीत, सेमीफाइनल में जगह किया पक्का।